एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फैशन। हमें आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ किस तरह से एक प्लेन कुर्ती को अट्रैक्टिव बना सकते हैं उसमें डिज़ाइन के एलिमेंट्स ऐड करके। जिस तरह से आप देख रहे हो हम किसी भी कुर्ती को डिज़ाइन कर सकते हैं, इस तरह से हम कुर्ती पे कोई सा लेस लगा के या उसमें कोई सा बटन लगा के जो उससे मैच हो रहे हों, जो उस पर अच्छे लग रहे हों, उस तरह से हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये कुर्ती है, इसमें स्लीव्स में डिज़ाइन दे रखा है, इस तरह से हम डिज़ाइन देके कुर्ती को अट्रैक्टिव डिज़ाइन दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे सेटिन लेस लगा रखी है कुर्ती में, इस तरह से भी इसे डिज़ाइन किया जा सकता है। ओके गाइस, एंड इस तरह से हम कुर्ती में लूम्स भी लगा सकते हैं प्लेन कुर्ती में। ओके, इसके अंदर लेस लगी हुई है एंड इसमें स्लीव्स में लेस लगी हुई है एंड नेक में डिज़ाइन दे रखा है। इस तरह से यहाँ पे पाइपिंग लगा के बटन लगे हुए एंड ये कट एंड सीव मेथड है। जो पिंक कलर की कुर्ती थी उसमें कट एंड सीव मेथड है एंड इस तरह से येलो कुर्ते में वाइट कलर की लेस कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, इस तरह से भी हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। गाइस, लास्ट में मैं आपको टिप्स दूंगी कि कट एंड सीव मेथड को किस तरह से करते हैं जिससे बहुत ही फिनिशिंग आती है कुर्ते में। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखें। इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल डिज़ाइन हैं कुर्तीज़ के जो आप अपने लिए बनवा सकते हो या खुद स्टिच कर सकते हो। ओके गाइस, अब मैं आपको बता देती हूँ कट एंड सीव जो कुर्ते पे डिज़ाइन करते हैं प्लेन कुर्ते पे जो प्रिंटेड फैब्रिक लगाते हैं उसकी प्रॉपर मेथड क्या होती है। जो कि हम प्रिंटेड या प्लेन जो भी अटैच करते हैं कुर्ते को डिज़ाइन देने के लिए फैब्रिक, उसे पे हम अगर पेपर कैनवास यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी हमारे कुर्ते में और जो डिज़ाइन रहेगा उस पर झोल भी नहीं आएगा। सो गाइस, इसकी मेथड बहुत सारे लोग जानते भी होंगे एंड जो नहीं जानते तो वो उसे पेस्ट करने के लिए, जिस तरह से हम प्रिंटेड फैब्रिक अगर प्लेन कुर्ती पे लगा रहे हैं तो जो प्रिंटेड फैब्रिक होता है उस पर हमें पेपर कैनवास पेस्ट करनी होती है और उसे अगर वो चिपकने वाली होती है तो उसको प्रेस करके उस पर हम उसे कट करके एंड आइट साइड से जो भी डिज़ाइन रहता है उसे स्टिच करके उस पर कुर्ते पर पेस्ट कर देते हैं। इससे बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आती है। एंड गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।